हेलो एवरीवन, आज हम 10th का टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप लोगों के साथ। और हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर है आपका ये 10th क्लास का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट डू यू मीन बाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? What do you mean by magnetic effect of electric current? Magnetic effect of electric current का मतलब क्या है? देखो, जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके अराउंड वो क्या प्रोड्यूस कर लेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। क्या प्रोड्यूस कर लेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये है इस चैप्टर का जो हमारा जो इसका मीनिंग है ये, ठीक है। अब यहाँ से हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता क्योंकि हमें नहीं पता मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर है, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट क्या हैं, क्या कैसे वो फोर्स लगाता है, कैसे उसकी नेचर है। तो पूरा चैप्टर हम इसमें पढ़ने वाले हैं, फिर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? देखो, हमें बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैग्नेटिज्म। हम यहां से शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिज्म। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो आयरन, निकल, कोबाल्ट ऐसे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो सब्सटेंस जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी, it is a property of substance due to which it attract like iron, nickel and cobalt etc. तो सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है आयरन, निकल, कोबाल्ट ऐसे सब्सटेंस को, उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। देखो, अब अगर हम बात करें कि देखो, ये जो तो सब्सटेंस है आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ऐसे और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं, इनको बोलते हैं, अगर 12th में पढ़ेंगे इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इनको? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिज्म क्या है? सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट ऐसे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो आपकी है व्हाट इज मैग्नेट। हर कोई वो सब्सटेंस जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, मतलब हर कोई वो सब्सटेंस जिसके पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस को हम मैग्नेट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट ऐसे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैग्नेट इट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन, कोमा, निकल एंड को
कोबाल्ट एटसेट्रा, तो वो सब्सटेंस जो इनको क्या करे, अट्रैक्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। और क्या इसका बिहेवियर कैसा होता है, देखो अगर किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मतलब मेरे पास ये मैग्नेट है, मैं इसको किसी थ्रेड की हेल्प से ऐसे लटका देता हूँ, तो ये जो मैग्नेट है ये अपने आप को नॉर्थ साउथ, जो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग अपने आप को क्या कर लेगी, अलाइन कर लेगी। ये भी एक खास विशेषता है, खास प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ठीक है। क्या क्या खासियत है इसके अंदर, एक तो इनको अट्रैक्ट करेगी, और दूसरी जब इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना, तो ये क्या कर देगी, ये अपने आप को अलाइन कर लेगी किसके अलोंग, नॉर्थ साउथ, कौन से नॉर्थ साउथ, जो हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, ठीक है। वैसे अगर बिल्कुल रियल में देखें तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ नहीं होते, ये आपके मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होते हैं, थोड़ा सा टिल्ट होता है, थोड़ा सा एंगल होता है उसके बीच में, लेकिन जनरली हम ये बोलते हैं कि जो हमारे नॉर्थ साउथ हैं उसके अलोंग अपने आप को क्या कर लेगी, अलाइन कर लेगी। तो इट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट एंड अलाइन इटसेल्फ या देमसेल्फ, अलाइन देमसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो आयरन निकल कोबाल्ट को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, और जब उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो अपने आप को अलाइन कर लेगा किसके अलोंग, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग, when suspended freely, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेट है। अब मैग्नेट जो है उसकी टाइप्स पढ़ेंगे हम, मैग्नेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो जो मैग्नेट्स हैं उनको अलग अलग बेस पे अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया गया है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, आपने सुना होगा बार मैग्नेट, होस्ट शू शेप मैग्नेट, ठीक है, और कुछ नेचुरल मैग्नेट्स भी हैं। तो हम मैग्नेट को यहाँ पे उनके ओरिजिन के बेस पे, मैग्नेट को उनके ओरिजिन के बेस पे दो टाइप में डिवाइड करेंगे। पहली टाइप आपकी है नेचुरल मैग्नेट, जो नेचर के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, नेचुरल मैग्नेट्स। देर आर सम नेचुरल मैग्नेट्स, जैसे कुछ आयरन ओर्स हैं, आयरन ओर्स जैसे आपका मैग्नेटाइट है, Fe3O4 है, मैग्नेटाइट, ये आयरन ओर है, ये आयरन ओर क्या है, नेचुरल मैग्नेट है, इनके अंदर, इन ओर्स के अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, तो ये सब क्या है, नेचुरल मैग्नेट्स हैं, एटसेट्रा। तो ये तो आ गए आपकी नेचुरल मैग्नेट्स में, आ गए जो नेचुरली नेचर्स में पाए जाते हैं। सेकंड जो आपके नेचर में नहीं पाए जाते, जो मैन मेड है या आर्टिफिशियल है, ठीक है, सेकंड टाइप आपकी है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये मैंने किसके बेस पे डिवाइड किया, मैग्नेट को मैंने डिवाइड किया उनके ओरिजिन के बेस पे, उनके सोर्स के बेस पे। तो ये आपके हैं बहुत सारे एग्जांपल इसके, आर्टिफिशियल के बार मैग्नेट है, होर्स शू मैग्नेट है, और भी बहुत सारे एग्जांपल इसके, एक्सेट्रा। ये आपको दो दो एग्जांपल भी याद रखने हैं, मैग्नेट दो प्रकार के, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट के जो एग्जांपल हैं, मैग्नेटाइट, इट्स एन ओर ऑफ आयरन, Fe3O4, दिस इज आल्सो एन ओर ऑफ आयरन। सेकंड टाइप आर्टिफिशियल मैग्नेट में आपकी बार मैग्नेट आ गई और शू शेप मैग्नेट आ गई, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अब यहां पे ये जो मैग्नेट है इनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहां से बनते हैं और डायरेक्ट जो सिंगल मार्क के जो क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं सीधे यहां से पूछे जाते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी से। और मतलब ये आपके एक प्रकार से बेसिक्स का काम भी करेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इस चैप्टर के जो आपके बेसिक्स हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इन प्रॉपर्टीज को अगर आप ध्यान से समझ लेते हो। तो ये अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, देखो पहली प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट की, अभी हमने देखा कि जो मैग्नेट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन में ही था, मैग्नेट क्या करते हैं, आयरन निकल कोबाल्ट ऐसे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव नेचर। अट्रैक्टिव नेचर जो मैग्नेट्स है उनकी कैसी नेचर है, अट्रैक्टिव नेचर, मैग्नेट्स पहली प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्टिव नेचर्स, मैग्नेट्स अट्रैक्ट लाइट पीस अट्रैक्ट लाइट पीस ऑफ आयरन निकल एंड कोबाल्ट एटसेट्रा, ऐसे सब्सटेंस को ये क्या कर लेते हैं अट्रैक्ट कर लेते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी आपको डायरेक्शनल डायरेक्शन के बारे में बताती है, ठीक है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी आपकी है वो इससे रिलेटेड है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी या डायरेक्शन, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ये आपकी थी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव नेचर, सेकंड आपकी है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो डेफिनेशन में ही, भाई जब किसी मैग्नेट को आप फ्री सस्पेंड करोगे तो वो अपने आप को किसके अलोंग अलाइन कर लेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेगी, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। व्हेन मैग्नेट सस्पेंडेड when magnet is suspended freely then it align themselves along north south direction। ये अपने आप को अलाइन कर लेती है किसके अलोंग, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। ये कौन से नॉर्थ साउथ हैं, आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो है आपके ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिकल जो हमारा नॉर्थ है साउथ है जो हमारे डायरेक्शन है, और एक होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक वो इसे थोड़ा सा टिल्ट होता है, थोड़ा सा कुछ एंगल पे होता है इसके साथ। तो ये अपना जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, उसके अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेंगे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन नहीं करेंगे, लेकिन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में और जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा एंगल है दोनों के बीच में। तो अगर ऐसा पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि जो मैग्नेट है
अगर उसको फ्री सस्पेंड करेंगे तो वो अपने आप को किसके अलोंग अलाइन करेगा, वो अपने आप को मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन करेगा, ना कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन करेगा। ठीक है, ये आपकी थी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी देखो मैग्नेट की, हर मैग्नेट के अंदर, हर मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं। ठीक है, तो थर्ड आपका है मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। एवरी मैग्नेट हैज, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स named as, named as north and south, north, north pole and south pole, named as north pole and south pole, named as north pole and south pole। ठीक है, तो सभी मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल एग्जिस्ट होते हैं, दो पोल पाए जाते हैं, एक को बोलेंगे नॉर्थ पोल और दूसरे को बोलेंगे साउथ पोल। तो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल। अब देखो किसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, किसको बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नॉर्थ है ये साउथ है। मान लो आपके पास ये मैग्नेट है, ये आपके पास मैग्नेट है, मान लो ये जो डस्टर है आप इसको एक बार मैग्नेट की तरह मान सकते हो, ये बार मैग्नेट है। तो यहां पे नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, हम कैसे पता लगाएं। हम क्या करेंगे, देखो छोटी सी एक्टिविटी करते हैं ये जानने के लिए, छोटी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको। एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी, किसी थ्रेड की हेल्प से, किसी धागे से इसको ऐसे फ्री लटका दो, मैग्नेट को इसको फ्री लटका देंगे तो इसका एक पोल, इसका जो एक एंड है, दिस एंड, दिस पोल, एंड को ही पोल बोलते हैं, जो पोल इसका आपका नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। मान लो आपकी तरफ क्या है, नॉर्थ है, आपकी तरफ नॉर्थ है, तो जैसे मैंने इसको फ्री सस्पेंड किया, ये मान लो कि इस तरीके से थी पहले, ऐसे पकड़ कर चल रहे हैं, जैसे मैंने इसको रिलीज किया, इट डेविट और इट डिफ्लेक्ट इन दिस वे, इट विल डिफ्लेक्ट इन दिस वे, तो दिस पोल, दिस एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। ये जो पोल है ये किधर पॉइंट पॉइंट कर रहा था, दिस पोल इज पॉइंटेड अलोंग नॉर्थ, दिस पोल इज डायरेक्टेड अलोंग नॉर्थ, एंड द अपोजिट पोल इज डायरेक्टेड अलोंग साउथ। तो ये साउथ की तरफ हो गया, ये नॉर्थ की तरफ हो गया। जो पोल अपने आप को नॉर्थ की तरफ क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा, जो नॉर्थ की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेगा उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ पोल साउथ की तरफ चला गया उसको बोलते हैं साउथ। तो बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, वेन The pole, when magnet is freely suspended, when magnet is freely suspended, then its one pole points, one pole points towards north, one pole or one end points towards north and other pole points towards south, points towards south, towards south. Okay, the pole which is pointed towards north is known as
इट्स नोन एज नॉर्थ पोल, नोन एज नॉर्थ पोल एंड अदर पोल इज नोन एज अदर पोल इज नोन एज साउथ पोल, अदर पोल इज नोन एज साउथ पोल। तो हर मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, उसको फ्री सस्पेंड करेंगे। जो पोल आपका नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड हो गया नॉर्थ की तरफ जो आपका चला गया उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो आपका चला गया साउथ की तरफ उसको बोलेंगे साउथ पोल। ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी मैग्नेट की। जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है, देखो इसको मैं रद्द करता हूँ। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना इलेक्ट्रिसिटी में, भाई सेम नेचर के चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी सेम नेचर के चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के चार्ज आपस में क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही सेम ऐसा यहां पे भी है, सेम नेचर के पोल, सेम नेचर पोल, सेम नेचर पोल रिपेल टू इच अदर, सेम नेचर पोल रिपेल टू इच अदर, रिपेल टू इच अदर एंड अपोजिट नेचर पोल, एंड अपोजिट नेचर पोल, अपोजिट नेचर पोल अट्रैक्ट टू इच अदर, अपोजिट नेचर पोल्स अट्रैक्ट टू इच अदर, अट्रैक्ट टू इच अदर। ठीक है, तो बहुत आसान इसको याद रखना, अट्रैक्ट टू इच अदर। तो सेम पोल, सेम पोल क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल क्या करते हैं अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मान लो अपने पास कोई बार मैग्नेट है, तो डायग्राम बनाने की मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि जो पोल्स हैं भाई, किसी भी मैग्नेट में दो पोल मिलेंगे आपको नॉर्थ और साउथ, जो सिंगल सिंगल पोल हैं, क्या सिंगल पोल, सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल कैन एग्जिस्ट, नहीं, सिंगल पोल कैन नेवर एग्जिस्ट। हमेशा पोल्स किस में मिलते हैं, पेयर्स में मिलते हैं, पेयर्स में मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ मिलेंगे, तो पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर, पोल्स ऑलवेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, इन पेयर। जो आपके मैग्नेटिक पोल्स हैं ये हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल पोल, सिंगल पोल कैन नेवर एग्जिस्ट, कैन नेवर एग्जिस्ट, सिंगल पोल कभी नहीं मिलेगा। देखो मान लो आपके पास कोई बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है बार की शेप है इसकी, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, तो हर बार मैग्नेट में, हर मैग्नेट में क्या होता है दो पोल होते हैं। मान लेता हूं मैं ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी की, एक्टिविटी क्या की, मैंने इस मैग्नेट को यहां से बीच से कट कर दिया, मैग्नेट के दो पीस बना दिए। तो जैसे मैं इसको कट करूंगा, इसके दो पीस बनाऊंगा, तो ये इसके दो पीस बन गए, ऐसे एक पीस इसका ये बन गया और एक पीस इसका ये बन गया। तो यहां पे क्या था नॉर्थ पोल था, यहां पे क्या था साउथ पोल था, लेकिन जैसे इसको दो पीस बनाऊंगा, इस पीस के अंदर नॉर्थ और यहां पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, यहां पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, यहां पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, तो ये दो अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे, अलग अलग दो मैग्नेट की तरह ये काम करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कई बार, भाई आप मान लो घर पे एक्टिविटी करके देखते हो, आपने मैग्नेट ली उसके दो पीस बना दिए, फिर देखा आपने इसमें मतलब दो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें दो मिनट चार मिनट बाद इसमें ये साउथ पोल यहाँ पे बनेगा और नॉर्थ पोल यहाँ पे बनेगा, लेकिन आप इसके कितने भी टुकड़े बना लो, कितने भी पीस बना लो, सभी अलग अलग मैग्नेट की तरह काम करेंगी और सभी के अंदर
अलग अलग पेयर्स होंगे, नॉर्थ साउथ ऐसे पेयर्स बन जाएंगे। हाँ, अगर आप धरती को करके देखते हो तो आप क्या करना, मैग्नेट को दो पीस करना, दो पीस बनाओ उसके, और उसको दो दो मिनट के लिए आप ऐसे छोड़ दो, दो मिनट के लिए उसको ऐसे छोड़ दो, फिर देखना उसमें वो दो अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे, दोनों में नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये पांचवी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, और मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं पांचों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म है हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जैसे फोर्स को F से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्या से करते हैं, करंट को I से करते हैं, लेंथ को L से करते हैं, मास को M से करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल E से करते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? B से। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? भाई कोई भी मैग्नेट रखिए, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट है, ये कोई एक बार मैग्नेट है मेरे पास, ये इसका नाम नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। अब इस मैग्नेट के पास अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी मैग्नेट लेके आता हूँ तो ये मैग्नेट क्या करेगी, उस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, उस पर फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पे रखूंगा तब भी फोर्स लगाएगी, यहाँ पे रखूंगा तब भी लगाएगी। जितना इसको पास लाऊंगा ना उस मैग्नेट को, इसके जितना इसके पास लाऊंगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स उस पर लगाएगी, उतना ही क्या लगाएगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगी। अब जितना दूर ले जाऊंगा उतना ही फोर्स वीक होता जाएगा, उतना ही फोर्स वीक होता जाएगा। और अगर आपने दूसरी मैग्नेट इससे काफी ज्यादा दूर रखी है, काफी ज्यादा दूर रखी है, तो वहां पे तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ, इसके चारों तरफ वो एरिया, वो स्पेस, इसके अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर इसका इफेक्ट है, जिसके अंदर ये दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगा सकती है। अगर कोई दूसरी मैग्नेट रखूंगा तो उस पे क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। तो उस स्पेस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वो इस मैग्नेट का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो क्या होगा, वो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो कैसे डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को? It is a space around a magnet in which its effect can be experienced। तो वो स्पेस जिसके अंदर इसका प्रभाव है, कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी experienced is known as magnetic field। तो वो इसका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, समझ में आ गया भाई। यहां कोई मैग्नेट रखी थी, ये मान लो यहां पे कोई मैग्नेट रखी है, बार मैग्नेट है, तो इसके अराउंड इसका कुछ अपना स्पेस है जिसमें इसका प्रभाव है। प्रभाव मीन्स अगर इसके अराउंड उस इसका जो स्पेस है उसके अंदर कोई दूसरी मैग्नेट लेके आऊंगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड, वो
वो मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे दिखाई नहीं देता, हम उसको देख नहीं सकते अपनी आंखों से कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो फैराडे ने, माइकल फैराडे ने क्या किया, इसके मैग्नेटिक फील्ड को एक पिक्चर की फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया। डिपिक्ट मतलब रिप्रेजेंट कर दिया उसको, पिक्चर की फॉर्म में उसने दर्शा दिया उस मैग्नेटिक फील्ड को। किसने, माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने इसके मैग्नेटिक फील्ड को किसकी फॉर्म में दिखाया, पिक्चर की फॉर्म में दिखाया, ठीक है। कैसे दिखाया उसने पिक्चर की फॉर्म में, उसने जो उसका जो कॉन्सेप्ट था, उसने कॉन्सेप्ट यूज किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज किया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से उसने इसके फील्ड को पिक्चर की फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड आपका है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको जो मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अपने पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं कंपास, मैग्नेटिक कंपास। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से यहां पे हम क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको यहां पे डिपिक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बात करूं मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने की, इसके फील्ड के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने की, तो इसके फील्ड को एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, दो तरीके अपने पास, भाई यहाँ पे मैग्नेटिक इसका फील्ड है या नहीं है, यहाँ पे इसका प्रभाव है या नहीं है, यहाँ पे इसका प्रभाव है या नहीं है, वो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे उसको वेरीफाई करेंगे। अपने पास दो चीजें हैं, दो तरीके अपने पास वेरीफाई करने के। पहला तरीका अपने पास क्या है कि हम क्या ले लेंगे, एक कंपास, मैग्नेटिक मिडल ले लेंगे, मैग्नेटिक मिडल या मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक मिडल या मैग्नेटिक कंपास। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक छोटी सी पतली सी मैग्नेटी होती है, एक पत्ती होती है, पत्ती मैग्नेट, वो मैग्नेट की बनी होती है, मतलब एक पत्ती की टाइप की मैग्नेट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, वहां पे क्या रख देंगे, मैग्नेटिक जो आपकी नीडल है, जो आपकी मैग्नेटिक कंपास है, उसको रख देंगे। कुछ ऐसी शेप होती है उसकी,